तुम्हारा जवाब नहीं ले क्या डिजाइन बनाया है। हे रुक, कहाँ जा रहे हो? सिमुलेशन रूम के हरे प्रोग्राम को हराने मदद करोगे। पर मुझे तो तुम्हें देना था एक मेंटेनेंस ओवरहॉल, याद है? थैंक्स, पर मुझे उसकी जरूरत नहीं है। पर मुझे इसलिए बक कर रहे हो क्योंकि तुम्हें मैंटिस डीएनए है, समझे? पर मैंटिस खैर, तुम्हें मेरे मेंटेनेंस की इतनी फिक्र क्यों है? क्यों? क्योंकि तुम फैमिली हो और तुम मेरे इकलौते भाई हो, हमें एक दूसरे का ख्याल रखना है। असल में हम कई चीजें बदल सकते हैं पर फैमिली कभी नहीं बदल सकते। कम ऑन, हम में एक जैसा डीएनए है, पर अगर तुमने मुझे खो दिया तो मुझ जैसा दूसरा बना लोगे। नहीं स्टील, मैं भी ये नहीं कर पाऊंगा, तुम बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो। ठीक है, क्यों ना हम दोनों थोड़ा मेंटेनेंस कर लें, तुम्हें एक्सरसाइज की जरूरत है, तो चलो माउंट एवरेस्ट की चढ़ाई करें। वेल, अभी के लिए जॉगिंग कर लें। ओके, ठीक है, माउंट एवरेस्ट पर किसी और दिन चलेंगे, बहुत वक्त है, हम हमेशा के लिए भाई हैं, राइट? इसमें कोई शक नहीं, अब बैठ जाओ ताकि मैं काम शुरू कर सकूं। ओके। ध्यान रहे कि वायरिंग ठीक से जुड़ी हो, वरना कनेक्शन काम नहीं करेगा। ये रिपेयरिंग का काम कब तक चलेगा? चुप रहो, ये मेरी गलती नहीं है, तुम दोनों को उस नेट ने बेवकूफ बनाया और अब हमारे सिर पर दो और रेंजर्स का बोझ आ गया है। चिल करो स्क्रॉल्स, रॉक्सी और मैं उस रोबोट सिल्वर रेंजर को फिर से पकड़ लेंगे। फिर हम वो रोबोट बॉडी को उसके असली मालिक को लौटाएंगे, ईवॉक्स को। पर तुम उस रोबोट को ढूंढोगे कैसे? टेंशन मत लो स्क्रॉल्स, हमारे पास एक प्लान है। ये रहा एंटीना। ग्रेट। इससे काम हो जाना चाहिए। हमें बस ग्रिड बैटल फोर्स फ्रीक्वेंसी से कनेक्ट करना होगा और जल्द ही हम जान जाएंगे वो रोबोट कहाँ है। रेंजर्स के ट्रांसमिशन्स ढूंढो। सारे ग्रिड बैटल फोर्स फ्रीक्वेंसीज की स्कैनिंग शुरू। तुम काफी अच्छे फॉर्म में हो स्टील। उसमें कोई बड़ी बात नहीं, मैं मशीनरी का एक शानदार नमूना हूँ। मैं समझ गया इंसान एक्सरसाइज क्यों करते हैं, मैं तरोताजा हो गया। मैं भी। हम कल फिर चलेंगे। हे, मैं हमारे नए जॉर्ज को देखने जा रहा हूँ, तुम चलोगे? हाँ जरूर। ओहो, बड़ा मजा आएगा। देखो वो रहे, तो क्या ख्याल है? इसे कहते हैं नजारा। तुम्हारा वेक्टर जॉर्ज काफी अच्छा है नेक, पर मेरा जेट जॉर्ज बहुत ही शानदार है, मेरी तरह। जनरल बर्क, तो तुम हो हमारे नए रेंजर्स? यस सर, अब तक के बेस्ट। जरा नेट के बनाए हुए नए स्ट्राइकर मॉर्फर्स देखिए, ये ब्लास्टर्स भी हैं। और इतना ही नहीं, हमारे जॉर्ड्स लड़ाई की जगह पर टेलीपोर्ट हो सकते हैं। ये तो बहुत अच्छी बात है। hey, बच्चों, जरा संभाल कर। मुझे तो मजा आया। ठीक हो? वो ठीक है, शुक्र है। सर, हमारे जॉर्ज देखिए, हमें बस इनमें मॉर्फेक्स भरने के लिए आपका ऑथराइजेशन चाहिए, फिर ये तैयार हो जाएंगे। मैं ये जरूर करूंगा तुम्हारे ये पेपर वर्क भरने के बाद। ये सब मैं चाहता हूँ कि तुम इसमें मौजूद कोई भी डिटेल मिस ना करो, प्रोसीजर्स फॉलो होने चाहिए। ओ, ऊपर। डोंट वरी नेट, हम जल्दी से तुम्हारे लिए ने भर देंगे। हाँ, ये हम पर छोड़ दो। Phenomenal, guys. Thank you. कम से कम वो पेपर वर्क साफ रहेगा। ओ, hey guys, what's up? हम बस अभी जंगल में ट्रेनिंग कर रहे थे, तुम आना चाहते हो? हाँ। Sure. स्टील और मैं तुमसे रिप्टाइड जिम पर मिलेंगे। Great, वहीं मिलते हैं। Jackpot. Let's go. तो
ये कौन सी जगह है नेट? एक जंगल जिम? नहीं स्टील। ओ, अच्छा रोबोट है डूड। हाँ, तुम रोबोट किसे कह रहे हो? तुम्हें दिखता नहीं मैं आधा इंसान हूँ। मजा कर रहा है, वेरी फनी। ये मेरा साइंस एक्सपेरिमेंट है, तुम यहाँ ब्लेंड करने की कोशिश करो, समझे? मैं कोई मिक्सर थोड़ी ना हूँ कि ब्लेंड करने की कोशिश करूँगा। ये जगह देखो स्टील, ये शहर का सबसे पॉपुलर हैंगआउट स्पॉट है। मेरे आने के बाद हो गया है, अब चले। सॉरी, मेरी उंगली फिसल गई। ब्लेज, रॉक्सी, तुम दोनों क्या लेने आए हो? सिर्फ उस स्टील के डिब्बे को। थैंक यू। इसके लिए तुम्हें मुझसे लड़ना होगा। जैसे तुम्हारी मर्जी। ड्रोनेक्स! पीछे हटो। पकड़ो उसे।